हेलो लर्नर्स दिस इज मृत्युंजय सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय एजुकेशनल चैनल विंग्स ऑफ नॉलेज सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हुक गिबन दैट इज इंडियाज़ ओनली एप स्पीसी एप इज़ अ प्राइमेट रिमेंबर दैट एप इज़ अ प्राइमेट तो आज हम चर्चा करेंगे गिबन के बारे में जो कि इंडिया का ओनली सर्वाइवल एप स्पीसी है है ना तो आज हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं इनके बारे में है ना तो आइए जानते हैं आज हम इनके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं द ग्लोबल गिबन नेटवर्क दैट इज जी जी एन has रिसेंटली convened इट्स inaugural मीटिंग इन हाई China's Hainan province. प्रोविंस क्या कहा गया है कि ग्लोबल गिबन नेटवर्क ने एक इनागरल मीटिंग कंडक्ट कराई है कहाँ पे हाई क्यू में चाइना के हाइनान प्रोविंस में क्यों फॉर सेडिंग लाइट्स ऑन दी क्रिटिकल सिचुएशंस फेस्ड बाय दिस प्राइमेट्स ये प्राइमेट्स जो है दैट इज दुल ऑफ गिबन इनके सर्वाइवल के लिए जो जो इन्होंने क्रिटिकल सिचुएशन फेस करे हैं एक, एक शेडिंग द लाइट्स दैट मीन्स पे उन पे चर्चा करने के लिए इन्होंने ये मीटिंग कंडक्ट कराई है द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ इंडियाज ओनली एप स्पीसीज दैट इज द हलोकन हैज बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न एक इनके इनके सर्वाइवल जो हुलॉक गिबन है इनका जो सर्वाइवल है अभी एक मैटर ऑफ मैटर ऑफ कंसर्न बन गया है इसीलिए क्या कर इसीलिए ग्लोबल गिवन नेटवर्क ने क्या किया है इन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट कराई है जिससे कि इनके बेटरमेंट इनके हैबिटेट को फिर से फिर से रिस्टोर किया जा सके इनके पॉपुलेशन को फिर से इंक्रीज किया जा सके तो इनके इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने के लिए इन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट कराई है राइट right. तो आइए हम जानते हैं हुबन के बारे में इट इज़ द फास्टेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द एप्स जितने भी एप पीसीज है उनमें फास्टेस्ट और इस्मलेस्ट है फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट है ये गिबन है ना इनका हैबिटेट कहाँ पे ये है ये इनहैबिटेट करते हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया के दैट मीन्स एशिया के साउथ ईस्ट पोर्शन के ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ये थर्टी डिग्री से ये इज थर्टी डिग्री मींस अर्थ के सेंटर में है इक्वेटर दैट इज़ ज़ीरो डिग्री इससे थर्टी डिग्री नॉर्थ एंड थर्टी डिग्री साउथ इन दोनों के बीच के एरिया को बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया डेट मीन्स ये जो एरिया है इस एरिया को कहेंगे ट्रॉपिकल एरिया है ना इन एरिया को कहेंगे ट्रॉपिकल एरिया ठीक तो इनके बीच में ये इनहेबिटेट करते हैं साथ ही साथ सब ट्रॉपिकल एरिया मीन्स थर्टी डिग्री से थोड़ा सा नॉर्थ और थर्टी डिग्री से थोड़ा सा साउथ दैट मीन्स अप टू फोर्टी 45 डिग्री तक अप टू 40 45 डिग्री नॉर्थ एंड 40 45 डिग्री साउथ तक ये आ, ये आ, ये, ये इनहैबिटेड इनहैबिट करते हैं ठीक है एंड हाई इंटेलिजेंस डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी एंड स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स ये इनका कैरेक्टर है राइट दे आर वन ऑफ द ट्वेंटी गिबन स्पेसीज इन द वर्ल्ड ये होलो गिबन जो है ये वन ऑफ द ट्वेंटी गिबन स्पेसीज ऑफ द वर्ल्ड है लेकिन आज इंडिया में होलो गिवन का का जो सर्वाइवल है वो एक क्रिटिकल कंडीशन बन गया है इस इनके सर्वाइवल पे आज क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं इसलिए ये मीटिंग ग्लोबल गिवन नेटवर्क ने कंडक्ट कराई है राइट दे आर फाउंड इन द फॉरेस्टेड दे आर फाउंड इन द फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया म्यांमार बांग्लादेश एंड साउथ चाइना ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया म्यांमार बांग्लादेश एंड साउथ चाइना में ये इन्हेबिट करते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं असम, अरुणाचल मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा तो इन सब स्टेट्स में ये इन्हैबिट करते हैं कौन ग्लोब दुलॉक गिबन? राइट टू डिस्टिंक्ट गिबन स्पीसीज आर फाउंड इन इंडियाज़ नॉर्थ ईस्ट इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कौन कौन से हैं नंबर वन इज ईस्टर्न हुलॉक गिबन दैट इज़ हुलॉक ल्यूक एंड वेस्टर्न होलो गिवेन दैट इज होलॉक हुलॉक ये एंड हुलॉक हुलॉक ये क्या है इनका साइंटिफिक नेम है आपको ये सब याद रखना है राइट आइए आप अब जानते हैं इनके थ्रेड्स के बारे में इनके सर्वाइवल पे किस प्रकार का थ्रेड्स आए हैं वो आज हम जानते हैं हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू कंजर्वेशन चैलेंजेस इनके कंजर्वेशन चैलेंजेस पे हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन आ गया है मतलब ये एक्सटिंक्ट होने के कगार पर आ गए हैं ग्लोबल पॉपुलेशन एंड देयर हैबिटेट हैव सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन इनका ग्लोबल पॉपुलेशन एंड देयर हैबिटेट कौन से कौन से हैबिटेट पे ये रहते हैं ये वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो गए हैं लिविंग स्मॉल पॉपुलेशन रिस्ट्रिक्टेड टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एक इनका एक स्मॉल पॉपुलेशन बच गए हैं डिफॉरेस्टेशन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जितने भी डिफॉरेस्टेशन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं जिसके कारण भी इनके इनके अस्तित्व पे इनके इनके सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं इनके सर्वाइवल को एक एक सीवियर थ्रेट आ रहे हैं आइए देखते हैं इनके आईओ स्टेटस के बारे में आई इज़ क्या है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस ना तो आयुसियन स्टेटस आयुसियन जो रेड डेटा बुक है उन उनपे गिवन को रखा गया है ईस्टर्न गिवन को रखा गया है कैटेगरी में एंड वेस्टर्न गिवन इनको रखा गया है एंडेंजर्ड कैटेगरी में ठीक है ये आपको याद रखना है कि ईस्टर्न गिवन को किस कैटेगरी में रखा गया है वर्लरबल कैटेगरी में ये एग्जाम में आते हैं और वेस्टर्न गिवन को एंडेंजर्ड स्पेस में रखा गया है ये दो आपको याद रखना है ये एग्जाम में आते हैं है ना और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इनको शेड्यूल वन की कैटेगरी में रखा गया है ये भी एग्जाम में आती है ये भी आपको याद रखने राइट right? तो इस प्रकार से हमने देखा हुन के बारे में सो थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच